हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इन चैप्टर फोर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैव यू फिनिश्ड, लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन एंड आल्सो सम अदर कॉन्सेप्ट आल्सो हैव बीन फिनिश्ड नाउ। सो टुडे आई एम हियर फॉर आवर न्यू टॉपिक हुज नेम इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इट मीन्स दिस इज आल्सो a topic, a concept which I already know about in previous class, but because this concept is basically given from class fourth onwards. Okay, so this topic has given for only your revision purpose. So student, there are lots of units are given for if you want to convert into kilometer to meter. Lots of units I will know about that. For length we have kilometer, meter, etc. And for space we use liter, kiloliter, milliliter. Okay, and for weight we use kilogram, gram, etc. So student, there are lots of units, conversion of units formula are given, but many students not capacity to learn all the formulas. So I am here to give a very shortcut method, key, that if you memorize this concept, then there is no question will be there are no doubt you have. Okay बच्चों, अभी मैं एक ऐसा आपको कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे आप इस कॉन्सेप्ट से आप कोई भी यूनिट को अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए, तो सबसे ज़रूरी क्या है कि उसको मेमोराइज करना है। अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तभी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए एक लेग है, मान लीजिए दिस इज द लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी अगर आप बहुत सारे कन्वर्जन ऑफ यूनिट लिखेंगे तो उसको याद करना पड़ेगा, और उसको वन बाय वन याद भी नहीं रख सकते हैं जिससे आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो इसको अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए, जैसे यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे मिली, उसके बाद सेंटी, फिर डीसी, फिर एमएलजी, फिर डेका, फिर हेक्टो, फिर इसके बाद किलो। ठीक है, ये हो गया आपका लेगर में जितने भी। अब देखिए, ये जो है सबसे लार्जर यूनिट है, दिस इज लार्जर यूनिट एंड दिस इज स्मॉलर यूनिट, ठीक है बच्चों। तो ये जो है लार्जर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है। अब इसमें इसके बाद क्या करना है, जैसे स्मॉलर से एक एक सीढ़ी हमको लार्जर में जाना है, तो हम इस तरह से एरो बनाएंगे। और लार्जर से स्मॉलर की ओर जाना है तो इस तरह से एरो बनाएंगे वन बाय वन। तो ये तो हो गया आपको जाने का तरीका, लेकिन मैथमेटिक्स में हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए, जब स्मॉलर से लार्जर की ओर जाएंगे तब हम उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर अभी हम लिखेंगे
और स्मॉलर से लार्जर की ओर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और लार्जर से स्मॉलर की ओर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ से ये एरो बनाएंगे और इधर भी एक एरो बनाएंगे, इधर लिखेंगे फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलर टू लार्जर वी डिवाइड, डिवाइड करते हैं और इसमें लिखेंगे हम, इधर देखिए इधर जगह नहीं तो हम इधर लिख दे रहे हैं फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, लार्जर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बगल में लिखना है, जैसे इधर एरो बना के लिखा है कि इस एरो के बगल में लिखना है आपको टॉपिक, ठीक है, अगर जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर लिख दिया है। अब बच्चों ये जो लेटर है ना, इसमें सारे फार्मूले सारे जो आपके बुक में दिए गए हैं वो सभी इसमें आ गए। देखिए ध्यान से देखिए, ये बुक में आपके देखिए बहुत सारे फार्मूले दिए गए हैं, 1 मिलीग्राम स्क्वायर टू, ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए बस आपको ये लेकर याद रखना है, अगर आपको आपने इसको मेमोराइज कर लिया तो इसमें कोई भी आपको अगर कन्वर्जन ऑफ यूनिट बताना है, जिससे कि अभी आप जिससे कोई क्वेश्चन दिया है कि 100 मिलीलीटर को किलोलीटर में बदलना है या 100 किलोलीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो ये सब चेंज करने के लिए आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये अभी यहीं बना रहेगा और मैं सारे क्वेश्चन को इसी के हेल्प से सॉल्व कर दूंगा। देखिए अब इसमें एक चीज़ यही जान लीजिए कि जैसे किलो, किलो सबसे बड़ी यूनिट हो गई और मिलीलीटर सबसे छोटी यूनिट हो गई, मिली कहेंगे क्योंकि जब हम लेंथ के लिए यूज करेंगे मिली वर्ड तो मिलीमीटर कहेंगे, और स्पेस के लिए अगर कोई इस यूनिट का यूज करेंगे तो लीटर कहेंगे, और वेट के लिए अगर यूज करेंगे तो मिली ग्राम कहेंगे। तो ये हो गया जैसे सेंटीमीटर सेंटीलीटर सेंटीग्राम, डेसीलीटर डेसीमीटर डेसीग्राम, और एमएलजी का मतलब हुआ मीटर लीटर और ग्राम। दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट, दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट में एमएलजी, एम मीन्स मीटर, एल मीन्स लीटर, जी मीन्स ग्राम। एम इज यूज फॉर लेंथ, एल इज यूज फॉर स्पेस और वॉल्यूम, एंड जी इज यूज फॉर वेट। ओके, डेका इसके बाद डेका आएगा, डेका जो है इससे बड़ा है, और इसके बाद हेक्टो, देन आफ्टर किलो। किलो सबसे बड़ी यूनिट होती है, जैसे किलोमीटर लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, किलोमीटर, जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो किलोमीटर यूज करते हैं, और जब ज़्यादा वेट होता है तो किलोग्राम यूज करते हैं, और जब ज़्यादा स्पेस होता है जैसे 500 किलोलीटर है ना, तो यहाँ पर आप जो है किलो वर्ड यूज करेंगे, और उसके आगे जो है जो भी सिचुएशन है जैसे लेंथ है तो मीटर यूज लगा देंगे, किलोमीटर हो जाएगा, अगर वेट है तो जी लगा देंगे, किलोग्राम हो जाएगा, अगर स्पेस है मतलब कोई बर्तन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई लिक्विड वाली चीज़ भरना है तो उधर लीटर लगा देंगे, किलो लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको मेमोराइज करना है, बहुत ही आसान है। उसके बाद देखिए वन बाय वन अगर हम जाएंगे नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब स्मॉलर टू लार्जर जाएंगे तो डिवाइड करना रहेगा, और लार्जर टू स्मॉलर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बता दिया है इसका हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बगल में इसको हम बने रहने देंगे और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.3। बच्चों ये आपको कॉपी में बना लेना है, ठीक है, ये जब आप कॉपी में बना लेंगे तो आपको कोई भी आपको यूनिट का अलग से अलग अलग जो है वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं कि
वन किलो लीटर में कितने हेक्टो लीटर होते हैं, वन किलो लीटर में कितने डीटा, इस तरह से आपको अलग अलग यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है कि एक एक मिली लीटर में वन मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वन मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, या वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सब आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लिखने के लिए आपको बहुत सारे पेजेस लगेंगे, बहुत सारे टाइम यूज होगा, इसको आप बना लेंगे तो इसी में सारे फार्मूले इंक्लूड हैं। देखिए फर्स्ट ए 500 ग्राम इंटू किलोग्राम। अब देखिए 500 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 500 तो कैसे इसको लिखेंगे हम 500। अब देखिए ग्राम से हमें जाना है किलोग्राम पे, ग्राम से जाना है किलो, यहाँ से देखिए ये ग्राम है ये किलो है, तो हमें स्मॉलर से लार्जर पे जाना है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो देखिए 500 को किससे डिवाइड करना है, इसमें जीरो को काउंट कर लीजिए, जैसे यहाँ पर ग्राम है ना, तो यहाँ पर पहुँचेंगे तो डेका पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे तो हेक्टो पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे तो किलो पे पहुँच जाएंगे, तो कितने जीरो हो गए, ग्राम से हमें जाएंगे डेका पे जाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे हो गया, जैसे ग्राम से किलो डेका पे जाएंगे तो एक जीरो ये, दूसरा जीरो ये, तीसरा जीरो ये, ठीक है, तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो 54/100 हो गया। अब बच्चों ये तो आपने इसको किया ही होगा, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय मल्टीप्लस ऑफ 10 कैसे करते हैं ये सब आपको पता होगा। देखिए इसका इसका पेयर बन गया, इसका इसका पेयर बन गया, अब ये वन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 54 के पहले लगा देंगे, ऐसे ये हो गया, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है तो जीरो लगा देते हैं होल पार्ट में, ये इसका आंसर हो गया। इसमें आप यूनिट लिख देंगे कि ये किलोग्राम है, देखिए आंसर आ गया, चेक कर लीजिए 0.25। तो देखा आपने कितना आसान है, मिलीग्राम ग्राम पे जाना था हमें किलोग्राम पे, ग्राम से जाना था किलोग्राम पे, तो देखिए यहाँ जब 10 से डिवाइड करेंगे तो डेटा हो जाएगा, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो हेक्टो हो जाएगा, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम हो जाएगा, तो 1 by 1 नहीं चेंज करना है कि पहले ग्राम से डेटा पे डेटा डेटा ग्राम में चेंज करें, फिर हेक्टोग्राम पे चेंज करें, फिर किलोग्राम पे चेंज, आपको डायरेक्ट चेंज करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट चेंज करने के लिए बस काउंट कर लीजिए जीरो कितने हैं, देखिए 1 0 2 0 3 0, 1 3 0 लगा दिया आपने तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए बी पार्ट देखिए इसका, इसीलिए इसको बना लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में इसको जब बना लेंगे तो इसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए 350 मिलीलीटर 2 लीटर। अब देखिए मिलीलीटर से हमें लीटर पे जाना है, मतलब स्मॉलर से लार्जर, मिलीलीटर क्या है स्मॉलर है और लीटर क्या है लार्जर है, तो मिलीलीटर से लीटर पे जाना है, यानी कि यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो देखिए कितने जीरो आ रहे हैं, डिवाइड करना है आपको, जीरो काउंट कर लीजिए 1 2 3 एंड नो 1, यहाँ पे पहुँच जाएंगे इस जीरो से, यहाँ पे पहुँच जाएंगे इस जीरो से, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो कितने जीरो हो गए, 3 0 हो गए, 1 के आगे 3 0 लगा देंगे। अब देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपने किया होगा, 5 से 0 का पेयर बन गया, ठीक है, 3 से 0 का पेयर बन गया, अभी ये 0 बच रहा है, अभी 0 को पेयर बनाने के लिए हम एक 0 और यूज करेंगे, 35 के आगे एक 0 लगा देंगे इस तरह से, ठीक, और उसके आगे दशमलव लगा देंगे। अब इसका कोई इधर कोई बोल पार्ट नहीं है कि यहाँ भी 0 लगा देंगे, ये हो गया आपका लीटर, यही हो गया आंसर, चेक कर लीजिए आंसर। देखिए थोड़ा मिसमैच हो गया है, 350 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 350/5। देखिए मिलीलीटर से लीटर में जाना है तो 1020
30, 10, 20, 30, लेकिन ये कैंसिल हो गया, तो 35/100 हो गया। अब देखिए ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया, ये जीरो का इससे पेयर बन गया, इसका इससे पेयर बन गया, तो हम क्या लिख सकते हैं 0.35 लीटर ही आंसर आ रहा है आपके। देखिए आप कितना आसान है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको इसको ध्यान देना है कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सी पार्ट देखिए इसको, 250 मीटर टू किलोलीटर, किलोमीटर 250 मीटर टू किलोमीटर। देखिए अब मीटर से किलोमीटर पे जाना है, मीटर ये है, देखिए ये मीटर है, एम मतलब मीटर, एम मीन्स मीटर, एंड किलोमीटर पे जाना है। देखिए तो पहले फिर से स्मॉल से लार्जर पे जाना है, तो डिवाइड करेंगे हम इसको, किससे डिवाइड करेंगे, देखिए काउंट कर लीजिए, जीरो काउंट कर लीजिए, 10 से डेटा पे पहुँचेंगे, फिर 10 से हेक्टो में पहुँचेंगे, 10 से किलो में पहुँचेंगे, यानी 30 लगाने हैं। अब ये 0 कैंसिल हो गया, तो 25/100 हो गया, फिर यही क्वेश्चन बन गया, तो हम लिख सकते हैं 0.25 किलोमीटर, यही आंसर हो गया। देखिए इतना आसान है, सिर्फ आपको लेजर को याद रखना है, जिस तरह से आपको मैंने बताया है, ये लेजर अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई भी अलग अलग यूनिट ऑफ कन्वर्जन याद नहीं रखना, आंसर आ रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट बिफोर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन पास द वीडियो टू नोटिस डाउन इन योर कॉपी और टेक स्क्रीनशॉट। अब देखिए बच्चों, इसमें लास्ट के 3 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको, शुरू फर्स्ट स्टार्टिंग 3 क्वेश्चन हमने बता दिया, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है आपको, मैंने लेजर ये बता दिया है, इसके हेल्प से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के हेल्प से लास्ट के 3 क्वेश्चन भी कर लेंगे। देखिए 350 मिलीमीटर × सेंटीमीटर, तो देखिए यहाँ पर मिलीमीटर से सेंटीमीटर पर जाना है। ठीक है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, देखिए इसमें 350 मिलीमीटर से सेंटीमीटर पर जाना है, देखिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर, तो ये देखिए 1 लेटर ही इसमें यूज़ करेंगे, देखिए 1 यहाँ से यहाँ जाना है, तो स्मॉलर टू लार्जर फिर जाना है, तो हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए 0 कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, एम पार्ट लीजिए इसका, 5.7 किलोग्राम × ग्राम। देखिए अब किलोग्राम से ग्राम पे जाना है, किलो से जी पे जाना है, तो देखिए लार्जर टू स्मॉल पे जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इधर से हम काउंट करेंगे, तो किलो से ग्राम पे जाने के लिए देखिए 10 से हम हेक्टो पे पहुंचेंगे, 10 से डेका पे पहुंचेंगे, ठीक है, फिर 10 से हम ग्राम पे पहुंच जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम × 1000। अब देखिए ये बच्चों, ये डेसिमल को मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही आसान है, आपको ये नंबर लिख देना है विदाउट डेसिमल, और ये 30 यहाँ पे ऐसे लिख देने हैं, और डेसिमल लगाना, देखिए 1 के पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो ये 0 यहाँ पे डेसिमल, इस 0 के पहले डेसिमल लगा देंगे, तो इसका आंसर आ गया 5700 ग्राम। एन पार्ट में थी, लास्ट पार्ट इसका 0.72 मीटर × मिलीमीटर। इसमें भी देखिए लार्जर टू स्मॉलर में जाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मीटर से सेंटीमीटर मिलीमीटर पर जाना है, मीटर से, तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर, और फिर 10 से मिलीमीटर, यानी इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है। 0.72 लिखा है, इसको एज इट इज 72 लिख देंगे हम, और ये 30 यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ठीक है, और 2 के पहले डेसिमल लगा, यहाँ भी 2 के पहले डेसिमल, ये सब आपने किया होगा, मल्टीप्लिकेशन आप मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल डिवीजन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10, ये सब आपने, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया होगा, वही मैं आंसर यूज कर रहा हूँ, ये लिख सकते हैं 720 मिलीमीटर, दिस इज द आंसर। नाउ लेट मी चेक ऑल द आंसर इज करेक्ट। यह 35 सेंटीमीटर करेक्ट, 5700 ग्राम,
देखो बच्चों सारे आंसर सही है, कुछ नहीं किया है आपने, बस यहाँ पर इसको आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। बहुत सारे फार्मूला इसी में इंक्लूड है, ठीक है। नाउ बिफोर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, पास द वीडियो टू नोट डाउन योर कॉपी एट द डिस्क्रिप्शन। स्टूडेंट देखिए, इन दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू, वी हैव टू राइट द फिल इन द ब्लैंक्स। इट मीन्स द क्वेश्चन यू हैव टू राइट फ्रॉम योर बुक एंड आई एम राइटिंग ओनली हर आंसर। बच्चों क्वेश्चन आपको नोट करना है बुक से, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ आपको आंसर नहीं नोट करना है, क्वेश्चन आप बुक से लिख लेंगे, आंसर यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन आपको नहीं क्वेश्चन नोट करना है बुक से, आंसर यहाँ पे लिखेंगे। टू चेंज फ्रॉम अ लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में हम क्या करते हैं, देखिए लार्जर टू स्मॉलर यूनिट पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये भरेंगे। टू चेंज फ्रॉम अ स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट वी क्या करेंगे, क्या करते हैं, डिवाइड। इसमें क्या लिखेंगे, डिवाइड। सी पार्ट देखिए, व्हेन यू चेंज मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर डिवाइड बाय, देखिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर इज द स्मॉलर यूनिट, सेंटीमीटर इज द, मिलीमीटर इज द स्मॉलर यूनिट, सेंटीमीटर इज द लार्जर यूनिट। मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 10 लिख देंगे। फिर देखिए, टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए देखिए ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाएंगे तो बेसी हो जाएगा, इधर जाएंगे तो सेंटी हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 100 फिल करेंगे, ठीक है। ई पार्ट देखिए, टू कन्वर्ट किलोमीटर इंटू मीटर, किलोमीटर से मीटर पे जाएंगे हम, देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हेक्टर पे पहुँच जाएंगे, 10 से करेंगे डेटा पे, फिर 10 से करेंगे, यानी कि 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों एफ और जी आपको खुद से करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट आई थिंक यू आर ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हिच आई हैव गिवन टुडे, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज यू हैव ऑल नो हाउ कैन यू कन्वर्ट द लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट एंड द स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट। From larger to smaller we multiply and from smaller to larger we divide, okay. So you have to solve some remaining question by yourself with the help of this ladder, and this is the key, this is the key, key means आप जानते हो key क्या होता है, key से हम बहुत सारे ताले जैसे खोलते हैं, तो यही एक key है इस question को solve करने के लिए, जितने भी question है इस जस्ट लाइक योर लॉक, और लॉक से इस ताले की चाबी यही है, इसी से हम सारे क्वेश्चन के लॉक को खोल लेंगे, ठीक है, या आंसर निकालेंगे। तो इसको आप जरूर बना लेना अपनी कॉपी में, विदाउट दिस लेटर वी कांट सॉल्व ईच एनी सिंगल क्वेश्चन, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।